हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आ गई हूँ बहुत सारे सस्ते सस्ते कपड़े सरोजनी नगर से। स्टार्टिंग होने वाला है जस्ट इन 50 रुपीज। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मैं सरोजनी नगर गई थी एंड मैंने वहां से बहुत सारे शॉपिंग करी है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्टिंग करूंगी मैं सेम इस टॉप से जो देख रहे हो ना, ये है ऐसी टॉप है पिंक कलर की। इस पे कुछ PR टाइप लिखा हुआ है, बट मेरे को ये नहीं अच्छा लग रहा, बाकी ओवरऑल ठीक लग रही है। यहाँ पे पफ स्लीव है, 1/4 साइज की जो स्लीव होती है वो है, एंड ये सर्कल वाला जो गला होता है वो है, एंड ये यहाँ तक की है, लुक एट दिस, यहाँ तक की। बाकी फुल लुक मैं आपको अभी तो दिखा दूंगी। और ये जस्ट इन 50 रुपये है, 50 रुपीज की है जो गोल वाली खड़ी होती है। ये सब मैंने सारे कपड़े जितने भी दिख रहे हैं ना, यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं एक एक करके दिखाऊंगी। ये सारे पहले मैंने धुलवाए हैं, देन मैं ये पहन रही हूँ, एंड ये 50 रुपये के अकॉर्डिंग मुझे आई लव इट। तो आप लोगों को कैसी लग रही है कॉमेंट करके जरूर बताना, मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, प्रिटी प्रिटी। सो हमारा नेक्स्ट पीस है ये वाला स्वेटर, ये भी मैंने धुलवा दिया है, एंड ये ना इस पे जो लिखा हुआ है, लुक एट दिस, बड़ा अजीब सा ब्रांड है वो है। और ये काफी ऐसा होता है ना, एकदम लूज लूज वाले जो होते हैं तो वैसा टाइप है, तो मैंने सोचा कुछ रेड या मैरून टाइप का ले लेती हूँ, क्योंकि अब वो भी आ रहा है ना क्रिसमस पे, सब पहनते हैं रेड या मैरून पहनते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और ये काफी अच्छा है, काफी वॉर्म है, और काफी इसका नेक ना, लुक एट दिस नेक, काफी प्रिटी है, बहुत ज्यादा प्रिटी है यार, नेक गिर गया, नेक काफी ज्यादा प्रिटी, बहुत ज्यादा प्रिटी है, ऐसी फ्रिल फ्रिल वाली है, बाकी फुल फुल स्लीव्स है, और इसके स्लीव्स पे भी कुछ ऐसा है फ्रिल फ्रिल टाइप। तो मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ और इसका प्राइस बता देती हूँ। उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, वुलन में, और इसका प्राइस था 280 या 290 कुछ बोल रहे थे, तो लेकिन 250 रुपये में दे दी, 250 में, तो ये 250 रुपये की है, लेकिन 250 रुपये के अकॉर्डिंग ना काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है। एक बार मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, फिर आप लोग बता रहे हैं कैसी लग रही है। क्वालिटी वाइज तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड ये आप मैंने पहन भी लिया, आप लोग बताइए मेरे पे कैसी लग रही है, काफ़ी मस्त लग रही है मेरे को पर्सनली। एंड मैंने ना ब्लैक ट्राउजर पहन रखा है, उसके ऊपर ये वियर करा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी, आप लोग बताइए कैसी लग रही है, आई तो लव इट। सेकेंड है ये वाला स्वेटर, एंड इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्यों हुई हूँ वो भी दिखा देती हूँ। मैंने जस्ट ऊपर से ऐसे पड़े रहते हैं ना नीचे, उनमें से लिया था कि हाँ चलो ले लेते हैं, एंड 50 रुपये का आया था, 50 रुपये का आया था, उसके अलावा ना इसकी हालत बहुत बुरी आई है। ऐसे मैंने बस ये चेक देख के लिया था, लेकिन इसकी हालत देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे 2-3 छेद टाइप के हैं, तो जिससे मुझे ये स्वेटर 50 रुपये भी वर्थ नहीं लगे, क्योंकि एक भी दिन नहीं पहन पाऊंगी मैं इसको। इसका चेक मुझे अच्छा लग रहा था, प्रिंट अच्छा लग रहा था, इस वजह से लिया था, 50 रुपीज़ का ही लिया था, ज़्यादा का तो नहीं था, लेकिन ये 50 रुपये का भी नहीं रह गया, क्योंकि इसमें 2-3 जैसे धुलवाया ना वो पता नहीं फट गया, क्या हो गया पता ही नहीं चला, तो 50 रुपीज़ में बेकार है, क्योंकि काफ़ी देख लो यहाँ पे ये होल टाइप, ये देख वो ही होता है कि उस टाइम ना पूरा गंदा सा होता है, तो समझ नहीं आता कैसे कैसे, और नीचे जो पड़े रहते हैं उनमें से लेते हैं तो यही हाल निकलता है। तो 50 रुपीज़ का था, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं हुए, तो मेरे को इतना माइंड भी नहीं है, लेकिन तब भी छेद हो गया तो पहन तो सकती नहीं हूँ, तो इसका क्या पहन के ही दिखाऊं। नेक्स्ट है ये श्रग, आप देख रहे हो ना, ये श्रग थोड़ा वुलन वाला है और लाइन लाइन वाला है, वुलन ऐसे थोड़ा ठंडी, अब जो ठंडियाँ पड़ रही है उसमें पहन सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छा लॉन्ग श्रग है, एकदम नीज तक आएगा, और ये काफ़ी सही लगा, ये मेरे को पड़ा था 150 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत सही है। एक बार मैं पहन के भी दिखाती हूँ मेरे पे कैसा लग रहा है, एंड इसकी जो क्वालिटी है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, 150 रुपीज़ में यार आजकल क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, तो 150 रुपीज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी आ गई है, एंड ये ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक टैंक टॉप और उसके ऊपर ये पहन लो ना, क्या मस्त लग रहा है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मस्त है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट है ये वाली हाई नेक,
ग्रीन कलर के है, और इसका ग्रीन ना बहुत ज्यादा प्यारा वाला ग्रीन है, ये कलर देख रहे हो आप ये वाला, और ये है ना पहन के और भी ज्यादा अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट करता है मेरे ऊपर। तो ये वाला आप बताइए कितने का होगा, एक बार मैं पहन के भी दिखाती हूँ पहन के कैसी लग रही है, एंड आप लोग बताइए ये आप मेरे पे कैसी लग रही है। ये वाला ग्रीन कलर ना बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, बिकॉज पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, और इस टाइप की हाई नेक्स ना आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा अच्छे से रहती है एंड गर्म भी रहती है, आपके ना पूरी बॉडी को वार्म रखती है। और ये आया है सिर्फ 80 रुपए का, 80 रुपीज की आई है ये, सिर्फ 80 रुपीज का, तो मेरे को ना काफी अच्छा लगा। मैंने 2 या 3 हाई नेक ली थी, वो सिर्फ 80 80 रुपीज की आई, और इस टाइप की हाई नेक्स ना अगर आप जैकेट वगैरह पहन रहे हो उसके नीचे ना बहुत ज्यादा मस्त लगती है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो यार, इतने सही है, मतलब 80 रुपए में क्या आता है, यू मस्ट ट्राई इट राइट। चलते हैं नेक्स्ट हाई नेक पे। नेक्स्ट हाई नेक ये वाली है जो कि है थोड़ी सिल्वर कलर की, जो वो वाला फील देती है, जो इनर वेयर नहीं होते वॉर्म इनर वेयर वैसी वाली फीलिंग देती है, लेकिन है ये हाई नेक और काफी ज्यादा मस्त है, ये काफी ज्यादा वॉर्म है, उस वाली हाई नेक से भी ज्यादा वॉर्म ये वाली है, और ये भी 80 रुपीज की थी, 80 रुपए की, दो हाई नेक मतलब 80 80 रुपए की ली है मैंने ये, एंड पहन के ही मेरे पास ऐसा लग रहा है, आप देख के बता सकते हो, इसके ऊपर अगर आप जैकेट पहनोगे तो बहुत सही लगेगा, मेरे को पर्सनली है ना हाई नेक्स वगैरह के साथ जैकेट पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप ब्लैक कलर की जैकेट पहन सकते हो, कुछ लाइट बेज टाइप की जैकेट पहन सकते हो, काफी प्यारी लगेगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे, 80 रुपए की थी, मैंने पहले बता दिया था, आई गेस नहीं बताया तो अब बता देती हूँ, एंड 80 रुपीज की है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है ये बेज कलर का स्वेटर, जो कि मैंने थड़ी में से लिया था, जो गोल गोल थड़ीज होती हैं उनमें से लिया था, एंड ये है ना जस्ट इन 50 रुपीज है गाइस, 50 रुपए का है ये स्वेटर, 50 रुपीज का स्वेटर है, एंड है काफी ज्यादा वॉर्म, लेकिन इसे आप ना कहीं पहन के नहीं जा सकते, आई गेस इसे घर पे ही पहन सकते हो, बाकी काफी ठीक है, दिखने में ठीक ठाक है, मैं अभी पहन के भी दिखा दूंगी। लॉन्ग वाला होता है ना लॉन्ग स्वेटर, उस टाइप का है 50 रुपए का, एंड पूरा स्वेटर वाला ही स्वेटर है, लाइक जैसे ऊन से बनाया होता है ना उस टाइप का ही है, इसमें ऐसी डिजाइन है देखिए, एंड पहन के भी ठीक लगता है, अगर घर पे पहन रहे हो तो पहन सकते हो, काफी सही लगता है, कूल लगता है, मतलब इतना बेकार नहीं लगता है कि भाई क्या पहन रखा है, ऐसा टाइप नहीं लगता, ठंडियों में घर पे पहनने के लिए काफी अच्छी है चॉइस है, एंड 50 रुपए में क्या आता है, कुछ नहीं आता, तो 50 रुपए का ऐसा स्वेटर आप घर पहनने के लिए ले सकते हो। सो अब मैं जो दिखाने वाली हूँ ना वो है मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट लुक एट दिस, बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है इसका ना, ये पूरा व्हाइट ऊपर से फिर ऐसे ब्लैक ब्लैक है, एंड ये स्लीव्स है ठीक है, एक बार मैं पहन के दिखाती हूँ, पहन के समझ आएगा कैसा है, काफी सही लग रहा है इसमें, खासकर ये व्हाइट और ये ब्लैक का जो ये जेब्रा टाइप का जो बन रहा है ना टेक्सचर, ये काफी मस्त लगा है मेरे को पर्सनली, एंड आप लोग बता सकते हो आप लोगों को कैसा लगा ये, मेरे को थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन है बहुत ज्यादा गर्म एंड बहुत ज्यादा मोटा है, इसका कपड़ा भी काफी ज्यादा मोटा है, मेरे को ना ये भैया ने ना कमी नहीं कर रहे थे, कह रहे थे नो मतलब नहीं, वो कोई कोई अड़ियल वाले भैया होते हैं ना वो थे, 250 रुपये की दी है ये, 250 का, उससे कम उन्होंने करा ही नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, काफी सही है, एंड मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को भी पहनते हुए देखा था, तो यस इट्स कूल, आप लोग बताइए मेरे पे कैसा लग रहा है, आई लव इट। नेक्स्ट है मेरी एक वुलन टॉप, एंड ये है लाइट ब्लू कलर की, काफी क्यूट है ये, मतलब लुक एट दिस, पूरी लाइट ब्लू एंड चेक टाइप है, एंड इसके ना पीछे ऐसे स्टोन लग रहा है ये बैक में, काफी क्यूट लगता है ये, एंड ये सिर्फ है आई थिंक 50 रुपए की है, सिर्फ ये टॉप 50 रुपीज की है, काफी लाइट है, ऐसा भारी कपड़ा नहीं है, बस ये है कि अभी जो सर्दियां चल रही है ना लाइक अभी वाली सर्दियों में पहन लो, या नीचे स्वेटर के नीचे पहन लो अगर ज्यादा सर्दियां हो रही है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी, 50 रुपए में क्या ही आता है, काफी अच्छी है सर्दियों के लिए, सो यस आई तो लव इट। अब है बेज कलर का स्वेटर, जो मुझे लगा था मेरे को पसंद आएगा, कलर काफी प्यारा है क्योंकि आई लव बेज कलर्स, एंड बट पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि इसका जो नेक वाला एरिया है, ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, मेरे को
यहाँ तक का नेक चल जाता है, लेकिन यहाँ तक का या फिर वो पूरा हाई नेक हो ऐसा फोल्ड वाला हो तो ठीक लगता है। और ये ना बड़ा अजीब सा पहन के ऐसा 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 लगता है, तो मेरे को इसमें बस नेक वाले एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग पहन के दिखा रही हो कि आप लोग बताना कि मेरे साथ ही दिक्कत है कि इसका गला ही अजीब सा है, वो कमेंट करके बताना। एंड आपको कैसी लग रही हूँ मैं इस स्वेटर में वो भी बता देना। तो यही था पूरा, एंड ये स्वेटर आया था जस्ट इन 150 रुपीज। तो अभी यही थे सारे स्वेटर्स, और एक ट्राउजर था जो मैंने लास्ट टाइम ट्राउजर वाले में नहीं दिखाया था, तो वो था ये ब्लू वाला। एंड ये ट्राउजर जो लड़कों के ट्राउजर होते हैं उनमें से लिया था मैंने, और ये देख रहे हो ऐसा है पूरा पूरा, जो ओपन वाले ट्राउजर होते हैं वैसा है, लेकिन इसके नीचे ये वुलन का है, मतलब ये गर्म वाला ट्राउजर है। इसे पहन लोगे ना बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगने वाली है, इसलिए मैंने ये वाला लिया था। और ये आया था सिर्फ 150 रुपये का। तो आप लोग ना ऐसे चेकआउट कर सकते हो, जो लड़के वाले ट्राउजर्स होते हैं उन पर जाके चेकआउट करना, काफी अच्छी डील है। एंड आजकल तो वैसे भी चल भी रहा है थोड़ा ओपन ओपन वाले ट्राउजर्स, तो आप चेकआउट कर सकते हो, फॉर्मल है, मस्त है, मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड यही था पूरा हॉल। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है प्लीज कमेंट करिएगा। एंड मैंने कुछ जो मेरी पर्सनल फेवरेट जो शॉप्स हैं उनका नंबर और उनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर लेना। पूरा सरोजनी नगर का जो मेरी फेवरेट शॉप है उनके नंबर भी डाल दिए, एंड उनका शॉप नंबर भी डाला है, और जिन लोगों ने मुझे नंबर दे दिया था दुकान वाले भैया ने उनका नंबर भी डाल दिया है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप ब्लेजर लेना चाहते हो तो प्लीज चेकआउट करिए ये वाली वीडियो। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।